वेलकम बैक टू वनीजी एजुकेटर। मैं मुस्कान चौरसिया और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फर्म का सेकंड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले हम जानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स मींस चेंज इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट बट द बिजनेस विल कंटिन्यू एज सेम एज बिफोर। मींस पार्टनरशिप फर्म जब स्टार्ट होती है तो हम एक अग्रीमेंट करते हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। उसमें चेंजेस आने से हमें एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, बट हमारा बिजनेस जो है वो सेम चलता रहता है, उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम कुछ रीजंस देख लेते हैं किस किस रीजंस की वजह से हमारी फर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। सबसे पहला रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर्स की म्यूचुअल सेटलमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। सपोज पहले पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके चल रहे थे, बट जब उन्होंने देखा कि हम सब इक्वली काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया और इक्वल रेशियो कर ली। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन के टाइम पे जब भी एडमिशन होगा नए पार्टनर का, तो जो रिमेनिंग या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के लिए, वो अपना एक हिस्सा छोड़ेंगे तभी एक न्यू पार्टनर एंटर करेगा। तो एडमिशन के टाइम पे हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाली जाती है। सेक्रीफाइजिंग रेशो होती है न्यू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वो ये होती है हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशो, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के लिए। और एडमिशन के टाइम पे जब भी नया पार्टनर आएगा, जिससे कि हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जाएगा, उसका हिस्सा जो होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में गेनिंग रेशियो निकाली जाएगी, जो कि होगी हमारी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कुछ जो है हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा होगा, उसमें से रिमेनिंग पार्टनर जो रह जाएंगे वो उसका हिस्सा गेन कर देंगे, तो जिससे कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अमलगमेशन ऑफ अ फर्म। अमलगमेशन ऑफ अ फर्म, अमलगमेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर दो सेपरेट फर्म मिलकर एक सिंगल आइडेंटिटी बनाती है तो उनके जो पार्टनर्स होंगे वो भी कंबाइन हो जाएंगे और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये रीजंस हैं जब हमारी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म, यानी कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुडविल। गुडविल हमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है हमारी परचेस्ड गुडविल, एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं गुडविल होती क्या है। गुडविल मींस गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म। रेपुटेशन जो अर्न करी है फर्म ने वो क्या होती है, हमारी गुडविल कहलाती है। और गुडविल जो होती है वो एक साल के बेसिस पे नहीं होती, बहुत सालों की बनाई हुई मेहनत से गुडविल बनती है। गुडविल इंटेंजिबल असेट होती है जो दिखाई नहीं देती, जिसे हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परचेज गुडविल कैसे होती है। गुडविल कभी परचेज नहीं की जाती जब हमारी फॉर्म जो है बिक रही है, यानी कि हम अपनी फॉर्म को सेल आउट कर रहे हैं, जिसको हम देंगे तो उससे हम क्या करेंगे, गुडविल के पैसे चार्ज करेंगे, यानी कि हम उसे क्योंकि अपनी फॉर्म बेच रहे हैं ना, तो हम उससे पैसे चार्ज करेंगे, और जो पर्सन फॉर्म को खरीदेगा उसके लिए वो गुडविल क्या हो जाएगी, परचेज गुडविल हो जाएगी। अब वो परचेज गुडविल का रीजन क्या रहता है, हमने अगर अपने बिजनेस को चलाया, हमने 10 साल तक बिजनेस चलाया, एक बहुत अच्छा नाम कमा लिया, तो अब वो जो नाम अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो उससे हम उसका पैसा भी चार्ज करेंगे, तो इसीलिए परचेज गुडविल होती है। और परचेज गुडविल की कंसिडरेशन कैसे निकलेगी, असेट माइनस लायबिलिटीज के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारी क्या होगी, परचेज गुडविल निकल के आ जाएगी। और परचेज गुडविल जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी शो होगी, हमारी बैलेंस शीट में भी शो होगी। नेक्स्ट आती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो हम खुद जनरेट करते हैं, और ये गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होती, सिर्फ तब ही इसकी वैल्यूएशन होती है जब हमारा बिजनेस क्या होता है, बिक जाता है या वाइंड अप हो रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ गुडविल के फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है इंटेंजिबल एंड वैल्यूएबल एसेट्स। ये जो गुडविल है हमारी इंटेंजिबल एसेट है, ना तो देख सकते हैं ना ही हम उसे छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, और ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है। इसके बेसिस पे ही हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, और यही हमारी वैल्यू को क्रिएट करता है हमारी मार्केट में।
नेक्स्ट आता है हेल्प टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट. एक्सेस प्रॉफिट भी हम गुडविल के बेसिस पे ही कमाते हैं. नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन. जैसे कि आपको पता है जिस चीज जिसकी जितनी ज्यादा रेपुटेशन होती है, अगर वो अपनी क्वालिटी क्वांटिटी या फिर किसी भी चीज में अपने बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज लाएगा तो फ्लक्चुएशन आ सकती है. यानी कि जितनी अच्छी गुडविल उसकी बन रही है वो थोड़ी सी डाउन भी हो सकती है और बहुत ज्यादा डाउन भी हो सकती है. इस रीजन से गुडविल में फ्लक्चुएशन भी आते रहते हैं. वैल्यूड व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. गुडविल को हम ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या फिर हम वीकली बेसिस पे इवेल्युएट नहीं करते. जब हमारा बिजनेस बिक रहा होता है सिर्फ हम तब गुडविल को इवेल्युएट करते हैं. और एक्सेप्शन ये है कि जब कोई एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ ऑफ अ पार्टनर होगा, इन सिचुएशंस में भी हम गुडविल को इवेल्युएट करते हैं. रीजन बिहाइंड, जब कोई न्यू पार्टनर आएगा हमारी चलती हुई फॉर्म में तो हम उससे क्या करेंगे, गुडविल के पैसे चार्ज करेंगे. और कोई रिटायर हो रहा होगा, सपोज उसी पर्टिकुलर पर्सन के बेसिस पे हमारा जो बिजनेस है वो बहुत आगे बढ़ा होगा तो हम उसे गुडविल की वैल्यू से दे के रिटायर करेंगे. या फिर अगर डिसीड पार्टनर है तो उसको हम सम अप करेंगे. नेक्स्ट आता है डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है. कि बिजनेस भले बिक रहा है लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते. उसका रीजन क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारा बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ तक हमारे बिजनेस की गुडविल है. नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी गुडविल की वैल्यू को. सबसे पहला आता है फेवरेबल लोकेशन. फेवरेबल लोकेशन जो है गुडविल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. सपोज आपका आपकी शॉप है टॉयस की, अगर ये किसी स्कूल के आसपास है जहाँ से वैन्स डेली आती जाती है तो स्कूल के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो आपकी आपकी शॉप को देखेंगे, आपकी शॉप से सामान खरीदने की सोचेंगे. जब भी उनको टॉयस खरीदेंगे वो अपने पेरेंट्स को आप ही का ही नाम बताएंगे. भले ही मार्केट में और भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हों, और भी कम रेट पे या अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दे रहे हों, लेकिन उनको आप ही का ही नाम याद रहेगा. तो ये होती है गुडविल. और आपको पता ही है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो एक ही शॉप से लेना होता है, तो जिससे कि आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी और आपकी गुडविल भी बनी रहेगी. नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. बहुत सालों से अगर आप एक ही पर्टिकुलर काम कर रहे हो तो आपकी वेस्टेज कम हो जाएगी. एफिशिएंसी मींस वेस्टेज कम होना. वेस्टेज कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगी और आपकी जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट हो जाएगी, वेस्टेज कम करेगी. नेक्स्ट आता है आपका लॉन्गेबिलिटी. लॉन्गेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कितने लंबे टाइम से आप बिजनेस को कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को कर रहे हो. तो लॉन्गेबिलिटी जैसे कि आपने कहीं जगह पढ़ा होगा सिंस 1948 1957 1977, तो ये क्या होता है, एक लॉन्गेबिलिटी शो कर देते हैं जिससे कि एक मार्केट में आपका नाम बन जाता है कि इतने सालों से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहा है और ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाती है और गुडविल भी बढ़ती है. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ गुड्स. ये डिपेंड करता है, गुडविल डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ गुड्स पे. अगर तो आप पेरिशेबल आइटम्स पे डील कर रहे हैं तो उससे क्या है कि आप हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो जल्दी वो खराब तो डेफिनेटली होंगे और हो सकता है कि कोई थोड़ा होता प्रोडक्ट किसी को खराब भी मिल सकता है. जैसे कि अगर आपकी डेयरी है तो कोई आपको आके कह सकता है कि आपकी दही खट्टी थी, तो आप ये बात बोल सकते हो कि आप ले आते हम आपको चेंज करके दे देंगे. इससे आपकी गुडविल बढ़ जाएगी. गुडविल बढ़ने से क्या होगा, नो डाउट ऐसे 10 कस्टमर आएंगे बट चेंज कराने सिर्फ 2 आएंगे और 2 लोगों को अगर आपने चेंज कर दिया तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी. तो डिपेंड करता है आपके गुड्स कैसे है. अगर यही आपके गुड्स जो हैं ड्यूरेबल आइटम्स हैं तो आप अपनी अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें. आप खुद कॉल करके कहें कि आपकी सर्विसिंग का टाइम हो गया, तो जिससे कि क्या है आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी. नेक्स्ट आता है पोजेशन ऑफ लाइसेंस. कुछ पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी में लाइसेंस की जरूरत होती है. जरूरी नहीं है कि मार्केट में जितने भी लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हो सबके पास लाइसेंस हो, बट अगर आपके पास लाइसेंस है तो डेफिनेटली आपका नाम जो है उनसे डिफरेंट हो जाएगा और आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट. समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग किसी ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में औरों के पास नहीं है, तो हम लोग उस सिचुएशन में मोनोपोली यानी कि एकाधिकार का जो कि जो बेनिफिट्स हैं वो हम लेते हैं. मोनोपोली के बेनिफिट्स हम जो है ड्राइव करते हैं, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट. तो आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पेटेंट भी करा सकते हो, कॉपीराइट भी हो सकता है वो. तो ये बेनिफिट्स भी आप एंजॉय करते हो गुडविल के बेसिस पे. नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व्ड. रिस्क क्या है गुडविल में, एक जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत इफेक्ट करता है आपकी गुडविल को. जैसे कि आपको पता है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट एंड हायर द गुडविल. अगर आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया तो डेफिनेटली आपकी गुडविल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी.
लोअर द रिस्क, लोअर द प्रॉफिट एंड लोअर द गुडविल। अगर आप कम रिस्क ले रहे हो तो उससे क्या होगी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी और आपका आपकी गुडविल भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा रिस्क लिया है तो लॉस होने के भी चांसेस है, अगर लॉस हो गया तो आपकी गुडविल गिर भी सकती है। तो ये रिस्क रहता है गुडविल के टाइम। नेक्स्ट आता है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर तो आपके प्रॉफिट का, आपके बिजनेस के प्रॉफिट का ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, इट मींस कि आपकी जो आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट में इसकी सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी, आपके बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉम्पिटिशन। अगर तो मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो उस सिचुएशन में और आपकी बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है तो आप बहुत इजिली पॉप अप कर लोगे। लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और आपकी गुडविल उतनी अच्छी नहीं है तो इट मीन्स कि आपको पॉप अप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर तो आपके बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी गुडविल अर्न कर चुका है तो आप कम कैपिटल में भी ज्यादा से ज्यादा सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो आपका जो बिजनेस है वो कम, मतलब उसकी गुडविल कम है तो उस सिचुएशन में आपको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ेगी, तब जाके आप सेल्स जो है बढ़ा सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी सेल्स तब भी नहीं बढ़ती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को और गुडविल जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा बेसिक्स का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू।